नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार गामित ट्राइबल इंडिया टीवी की तरफ से और कैमरामैन हेमंत भाई पटेल के साथ आज हम महाराष्ट्र के नवापुर के बाजू में नवापुर से 15 किलोमीटर आगे बर्डीपड़ा गांव में यहामो की माता का जो स्थानक है तो वहां पे आए हैं। वहां पे पहले जो हम एक ऐसा स्थान पे आए हैं कि वहां पे पहले माता जी को यहामो की माता जी का स्थान है, वहां से वहां का जो जेवण होता है उधर पहले वहां से पूजा करके इधर रखते हैं ऐसा ये दादाजी बोलते हैं। तो आया हूँ थोड़ा दादाजी से भी थोड़ा उसके बारे में महत्व के बारे में बातचीत करते हैं। राम राम दादा। राम राम। हमी माता जी ना ये काय महत्व है? माता जी ने महत्व पांडोरी हाँ कौन श्री अने पहला ता पूजा कोई पास ही खाई ना खावर नहीं है अपने नहीं ता पागल लगी है ना जी पागल लगना थी पागल लगी है ना पछे यही रंदना खाली माता जी ना दर्शन दादा उमर कली 70 वर्ष અને એ કોલા વર્ષથી ચાલે એ બધા કોલા બાપ દાદાની પેઢીથી ચાલે કા નહીં બાપ દાદાને પેઢીથી ને આવાને તે કોલા તો ઇતના વર્ષ કાઈ ના હે બધા કુક મે વર્ષોથી ચાલતા યનલા હે ની બધી પૂજા પદ્ધતિ બાંધી ચાલતી હે હા આપે આ ડોસા ડોગરે આતે જે કાઈ વડવે આતે ચે ચાલતી ચાલનો હે ને હા ઠીક હે ચાલ ધન્યવાદ અભી હમ આગે આપકો લિયે ચલતે હે જહાં કા મૂળ દેવમોગરા માતા કા સ્થાનક હે वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से आगे जाके आपको थोड़ा दूसरा और बताएंगे। बर्डीपड़ा के जो स्थान है यहामोगी पे वहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे एक पहाड़ी चढ़ते वक्त एक धामण देवी नाम का स्थान आता है। वहाँ पे ऐसा होता है वो 24 घंटे जागती रहती रहने वाली देवी है। तो वहाँ पे क्या एक सूचना देवी की तरफ से दी गई है कि कोई भी वाहन अगर आता है तो उसको नमस्कार करके आगे जाने का है, हॉर्न बजाने का है, और ज़्यादा पब्लिक भरा हुआ है गाड़ी में वगैरह में तो वहाँ पे उतार देने का है, उसके बाद ही गाड़ी चढ़ाने का है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आइए इसके बारे में ये दादाजी है उसको थोड़ा जानकारी है, यहाँ के स्थानिक लोग है तो उसके थोड़ा पूछते हैं। दादा तू कैसलो मड़े बोर्डीपाड़ा ना अने कला समय थी ही ता दुकान है कहीं अच्छा એટલે માતાજીનો ચુંદડી નારી હોડો વેચના તા અહીં રોજી રોટી મેળવતો હવે નીચી જે દેવી તું દામણ દેવી કા આખી એલા વિશે કઈ તું કથા હોય જી કઈ હોય તું અહીં લોક આગતે હોય તે વિશે હોય કે માહિતી દે અમાલ એટલે બધા લાપા આખી હોય એટલે અહીં પૂજા પર રહી કહો ના એટલે ખૂબ જાતતા માંથી કરવી છે એટલે વધાન સાંભળી શકનારી બરાબર અને આપણા કોઈ બી યાત્રાળુ એ તે પહેલા પૂજા પાઠ કોઈ કાં તો હોન મોનો આગાડી નમસ્કાર કોઈ પાસે ઉપે સોડન બરાબર ને એલી જે ઉપે યાહા મૂકી બોટલી હે એલી હમાલ હે નીચે ગામમાં એહડી વાત મળી કા 14 વર્ષ જે હે 15 વર્ષ હોય આ તો એલી પ્રગટ હોય હા એલી વાત સાચી હે ને હા અમે જે લો મહારાજ હે લોજ ત્યાં બધી સેવા કહો હે ને અચ્છા હોડા બીજા કઈ હે કઈ આજે જમીન મહારે નીકળી જમીન મહારે નીકળી અચ્છા એટલે સાક્ષાત પેલા સ્વરૂપ હે અને બીજો કા અહી આપે કઈ મેળા જોડો બહા હે તી કહા સમયમાં બહા હે શિવરાત્રી માં બહા હે અચ્છા શિવરાત્રી માં કોલે પમા હે યતે હે બહુ પબ્લિક કોલા દિહીનો મેળો ભરા હે 5 દિહીનો મેળો શિવરાત્રી દિહીથી ચાલુ હોય જાય હે બરાબર દેખીએ દોસ્તો અભી થોડા હમ ઉપર જો યહામુગી કા મૂળ સ્થાન હે વહા પે જાતા હે 14 સાલ પહેલે યહા જમીન મે સે માતાજી કા પ્રગટ હુઆ થા प्रकट हुई थी। ये यहाँ के जो लोग हैं स्थानिक लोग वो बता रहे हैं जो प्रकट हुए वहाँ का जो महाराज है वो अभी उसके साथ माता जी की 24 घंटे सेवा करते हैं। ये कणिकंसरी का ही धाम है, यहाँ का पूरा आदिवासी क्षेत्र है। नवापुर से कम ये 15-16 किलोमीटर के आसपास होगा ये गांव, और हाईवे से नवापुर धुलिया हाईवे से 6 से 7 किलोमीटर अंदर है और पूरा पहाड़ी क्षेत्र है ये। धन्यवाद, आगे आपको थोड़ा दूसरा भी दिखाते हैं। नमस्कार मित्रों, अभी हम ये बर्डीपाड़ा के जो यहामोगी का जो धाम है वहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे धाम देखिए, ये यहामोगी की माता है।
उसका मूर्ति है। बाजू में अपना आदिदेव शंकर भगवान का भी स्थान है। आदिवासी लोग का ही देव गिना जाता है शंकर भगवान मंजे, क्योंकि शंकर और शिव, शिव भारतीय हिंदू संस्कृति में सबसे पुराने देव है और आदिदेव, इसीलिए कहा जाता है कि आदि अनादि काल से उसकी ही पूजा होती है। और दूसरा ये बाजू में है कालिका माता, कालिका माता का प्रतिकृति है। अपने आदिवासी समाज में जहाँ जहाँ भी कणी कंसरी का स्थान होता है वहाँ पे शिव जी का और कालिका माता का स्थान आपको अवश्य दिखने को मिलेगा। आप देख लीजिए देव मोगरा धाम है, वहाँ पे भी बिल्कुल यही तरह से ही है। और दूसरा जो सात पूर्वांचल क्षेत्र में अक्कलकुआ से जो आगे है हेलो धाम, वहाँ पे भी आपको देव मोगरा यहाँ मोगी है, यहाँ मोगी के साथ में कालिका माता की मूर्ति वहाँ पे भी है और महादेव जी का, शिव जी का भी वहाँ पे मंदिर है। अभी हम जो यहाँ से जो उसका पूजा करते हैं, जो यहाँ का भगत बोलते हैं आदिवासी बोली में पुजारी जी है, हम गुजराती में पुजारी भी बोलते हैं, तो उनसे थोड़ा इसके बारे में बातचीत करते हैं। महाराज ये जो यहाँ मोगी का धाम है, आदिवासी का धाम है, ये आया है अपना नवापुर तहसील में, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, बर्डीपड़ा गांव में। कम से कम हाईवे से ये धुलिया हाईवे से 7-8 किलोमीटर अंदर है और 1500 फुट की जैसी हाइट है, उसके ऊपर चढ़ के आना पड़ता है और सीधी ढलान है, जैसे तैसे का काम नहीं है। अभी थोड़ा काम भी किया हुआ है, यहाँ पे सीढ़िया वीढ़िया वगैरह भी बनाया है, फिर भी ढलान सीधी है, थोड़ा आने में प्रॉब्लम होता है। हम अभी ट्राइबल टीवी की ओर से दोपहर को गर्मी के वक्त आए हैं, मैं भी परसेवे से रेबजेब हो गया हूँ। आइए उससे थोड़े हम महाराज से थोड़े उसके बारे में, महत्व के बारे में थोड़ा बातचीत कर रहे। महाराज हिंदी में चाली नहीं कहीं ना गाँव तड़ा मैं खीदे तो यहीं आप महाराज महा यहाँ मोगी ना स्थान है, यहीं आप माँ नोहड़ी बात मिली ही कहीं कहीं आप आमी धरती माता महारे कहीं प्रगट होला है ने कहीं 15-1 वर्ष थी कहीं कहीं कार्य चालू है चा विषय वही लोकल है कहीं ता जी कहीं आप अनुभव है ती प्रमाणिता वही एक आखन है आप ही माता जी 2006 में काकड़ा जो थोड़ पे माता जी प्रगट स्थान लेदा जो आप आदिवासी लोग जो परंपरा काकड़ा कूल मनोन माता जी जो स्थल काकड़ा जाड़ा माता जी प्रगट लेदो तो माता जी स्थान बनावीने जो भी श्रद्धालु भाविक भक्त दरवर है महाशिवरात्रि महापर्वधि रहे त्या समय पे जे श्रद्धालु भक्त ये मंदिरा में आवता अने जी भी मनुष्य मनोकामना जो पूर्ण हुए है मनु ने या धामों पे जाले 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष जल बाला नहीं है तेल भी माता जी बाला दे है अंत्या इच्छा पूरी है जो भी पांगला हो तो रित्याल भी माता जी चलतो के है जो भी आंदो है त्याल है तो के है जो भी बोलतो नहीं वही त्याल बोलतो के है माता रानी जो नौकरी मांगे त्या नौकरी भी दे त्या में परंपरा हमें जी संस्कृति है इधर और है हमारा महाशिवरात्रि तो माता जी ले वर्षा में एकदम गंगा मैया में स्नान करते हैं समय महाशिवरात्रि ने बीजा भी 4 वागा ने थोड़ा समय रहे
अनवड़ो कार्यक्रम उजाऊते हैं का आदिवासी तमाशा पार्टी बदो आम कार्यक्रम उजाऊते हैं आधे के जे दशहरा समय आम अखंड जोते माताजी थोते हैं आनता आमा परंपरा जो देमोग्रा माता जो रूढ़ी है ती प्रमाणे आमा दशहरा भी मोठो मोठो कार्यक्रम में साजरा कोत हैं आने त्यारती आमा गंगा मैया में विसर्जन कोत हैं आन तो दी मोठा मोठा आमा भंडारो देते हैं जोलो भी भाविक भक्तो ये नौ दी उपासना कोई ना आमा छेले दी भंडारो पूर्व कोत हैं बराबर अमी महाराज एक बीजी एक बात आखू ई बोडीपाड़ा गांव है या मई कहीं कोई बाहरी धर्म न कहीं आक्रमण ओला है कहीं बीजा धर्म वाले आमी कहीं वेते मुंडिया आमी आमी हड़ गोनाते मुंडिया का आपे आदिवासी संस्कृति में बीजा धर्म न का आक्रमण होता मुंडिया एला कारण आपा आपे जी देव देवता ने पूजा कोते हैं ते ती नाबूत होता मुंडिया ते एला विषय कहीं ता अनुभव का या कहे आपे परंपरा जो आदिवासी जो संस्कृति है ती काही लोग आमे बदा जो कहीं कहीं धर्म जो भी जो निगाह लगे हो पासे कहीं कहीं लोग बदा पे जी पहला आदि पेने चलता है आदि आदि शक्ति माता जी परंपरा रूढ़ी है ती काती चला जो जे आने ती आपे समाज है टिकाड़ा जो जे आने यही जो ती आपे समाज आज संस्कृति परंपरा चालान जो जे आनिया लापा धरती माताल भी आपा पूजते हैं कोई माताल भी पहले पास सुने आपे आदिवासी पूजे अन आपे आदिवासी कोई पूजा भी को है सूर्य देवा भी पूजा को है अन आपे आदिवासी खेती बाड़ी भी बादो मेहनत तो मजरी कोई ने बादो लोया पाइन पाया लोय बनवी ने ये कोई माताल आखो मेहनत कोई आखी परजाल पोहे आन आदिवासी जो आखो जी काही संस्कृति ही तो टिकाड़े कोई बीजो नहीं टिकाड़े अने ये खरे खरे यह आखा मागे है का अमुक जाने है आखा मुंडी है का आदिवासी नी जाने आपे हिंदू संस्कृति ने है ते ई आपमा हिंदू संस्कृति ने है यह आखते हैं ते हिंदू संस्कृति ने है ते आपमा दीवो को जे कोंकु चढ़ाव जे नारियल फोड़ जे आर चढ़ाव जे चुंदड़ी चढ़ाव जे ते एली को ही संस्कृति गणाय ते पासे हैं ता मत मुझे बेली को ही संस्कृति गणाय एह आकता हूं आपे ते पहिले पासुन है वाड़ा वड़ल जो आखास को होता है ना दोज भी चढ़ावता है ना दीवो भी कोता है ना वागदे भी पुंसता है ना रानी दिवाली भी पुंसता है ना बठा गोवाला देव भी पूजता है ना आपे सूर्य देव भी हुरीज देव आखी ने पूजता है आपे आदिवासी गोपाल देव भी पूजता है ना सबरी माताल भी राम कृष्णाल भी पहले पासु ने जो खोड़कोचरा में जूना अटाला डाटाला देवेरी चल कोई आपे आदिवासी भी रहा नहीं भी रहा नहीं बराबर अने जहाँ भी भोले आपे देव खोड़कोचरा में पड़ी रोया रही पेन आपे आदिवासी तान जाइने त्याल सब सुपाई गई ने त्याल कुंकु चांदलो दे फूल चढ़वे टीलो दे तान जाइन पूजा कोई दे होड़ा का आपे देवे खोड़ कोचराम भोले पड़ी रोइला पेन त्याल खूब ताकत है आजू आजू हो गई ने आपे पूजा पद्धति ई रीते जे है चाल तो महाराज हाँ ते एली आपे परंपरा है धन्यवाद महाराज ता खूब खूब आभार अने जय यहा मोगी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।